दर्शन ने मेरी सारी मेरी दृष्टि वर्षाकाल के खुले हुए आकाश स्वच्छ यादों की वो बोरी जो बिल्कुल पूछी ऐसी सूची है मानो पूछी हे गिरधर हे गोपाल हे देव की नंदन मुझे तो जीते जी मोक्ष यही तो मैं चाहता था और अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पौत्र युधिष्ठिर को अंतिम शिक्षा दीजिए। हे ओंकार तुम्हारे होते शिक्षा देने वाला मैं नहीं पितामह नहीं मेरे पास ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं अपना अनुभव देकर इन्हें धन्य कीजिए तनिक मेरे आंसू पहुंचने वास्ते कि मैं हस्तिनापुर नरेश पांडु पुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर नरेश की जय हो और अब मुझे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान की आज्ञा दो जो नहीं देखना था वो और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख लिया नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा पितामह मैं आपको जाने नहीं दूंगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा पितामह तूने ऐसे बाण नहीं मारे वत्स जिनके घाव भर जाए अरे ये घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है वत्स सारे जीवन की कमाई देख अब मुझे जाने हटना हट ना कर मेरी एक अंतिम सेवा कर दे वत्स मेरे माथे पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी अरे वत्स रो मत अरे ये तो बड़े हर्ष की घड़ी है तेरा पितामह आज अपनी मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुआ है हे राजन मैं एक पराजित योद्धा भी हूं और एक पराजित उससे ये सीखो पुत्र कि एक अच्छे योद्धा को एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं मित्र ने मुझसे बार बार वो बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि हे ताश्री हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर न देखिए स्वयं हस्तिनापुर क्योंकि यदि हस्तिनापुर ही नहीं होगा ये सिंहासन कहां से होगा किंतु अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा में झगड़ा मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में अपने पिताश्री की छवि देश से बड़ा कोई नहीं होता कोई
देख के आप मुझे अपने देश के हितों से दूर करके चली गई और अपनी उस प्रतिज्ञा को फिर भी मैं छाती से लगाए रहा और अपने देश को सर्वनाश के बाहर की ओर जाने दी। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति मेरी निष्ठा मुझे देशद्रोह के मार्ग पर ले गई है पुत्र, देशद्रोह के मार्ग। बाणों की इस शैया पर लेटा ये एक देशद्रोही हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं, लक्षागृह का उत्तरदायी मैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले मेरे यही हाथ है जिन्हें मेरे प्रिय अर्जुन के बाणों ने इस देश की भूमि में ठोका। हर बाण मुझसे कह रहा है, हर घाव मुझसे कह रहा है, इस भूमि को पहचान। हे गंगा पुत्र देवव्रत, अपनी इस भूमि को पहचान। अपने पिता की छवि के लिए तूने इसे चुना। हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूं जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। पुत्र, मेरे इन श्वेत वस्त्रों पर कहीं ना कहीं मेरे अहम का धब्बा, जिसे पश्चाताप का कोई आंसू नहीं सकता। इसलिए पुत्र, तुम भी कभी ऐसी प्रतिज्ञा ना करना जो कटार बनकर तुम्हें काट कर अपने देश से अलग कर दे। और यदि तुमने ऐसी भूल की ना पुत्र, तुम्हारा अंत भी बाणों में से ऐसी शैया होगा। क्योंकि जब जब कोई देवव्रत देश के हितों का मार्ग रोक कर खड़ा होगा, तब तब उसे बाणों की शैया पर लिटाने के लिए कोई ना कोई अर्जुन अवश्य सामने होगा। यही तो राजनीति का मूल तत्व है। पुत्र, देश के हितों से बढ़कर तो राजा का हित और कोई हो ही नहीं सकता। पुत्र, यदि तुमने दिखाई दे तुम्हारा ऐसा कोई हित है, तो समझ लो कि तुम भी राज धर्म से भटक गए। देश राजा के लिए नहीं होता, राजा देश के लिए होता है। और वो राजा कभी अपने देश के लिए शुभ नहीं होता जो अपने देश के आर्थिक और सामाजिक रोगों के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराकर संतुष्ट होता है। यदि अतीत ने तुम्हें एक निर्बल आर्थिक और सामाजिक ढांचा दिया है, तो उसे सुधारो, उसे बदलो पुत्र। क्योंकि अतीत तो यूं भी वर्तमान की कसौटी पर कभी खरा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि अतीत स्वस्थ और उसमें देश को प्रगति के मार्ग की ओर ले जाने की शक्ति होती, तो फिर परिवर्तन ही क्यों। एक बात अच्छी तरह से सुनो, किसी समाज की कुशलता की सही कसौटी यही है कि वहां नारी जाति का मान होता है या उसका अपमान होता है। देश की सीमा माता के वस्त्र की भांति आदर है, उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, सदैव रक्षा करना। इन्हें धर्म और राजधर्म के विषय में भी कुछ बताइए पितामह। धर्म विधियों या औपचारिकताओं का अधीन नहीं है पुत्र युधिष्ठिर। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन करना, इसलिए धर्म का पालन अवश्य। राजधर्म भी यही है, किंतु राजा का दायित्व नागरिक के दायित्व से कहीं अधिक। यदि कोई परिस्थिति देश के विभाजन की मांग कर रही है, तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, किंतु देश का विभाजन कभी ना होने दो। क्या तुम पांचों भाई माता कुंती को काट कर आपस में बांट सकते हो? यदि नहीं,
तो फिर मातृभूमि का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? मैं ये बात कर चुका, इसीलिए सब कह रहा हूं। युद्ध को टालने के लिए मैंने अपने देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया, किंतु तुम ये कभी न करना, तुम ये कभी न करना। अब मैं थक गया हूं वासुदेव, वैसे भी अब मुझे कुछ और नहीं कहना। पुत्र अर्जुन, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिएगा। जी तो मेरा भी यही चाहता था देवकी नंदन, और मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था ना। बस अब जाने की आज्ञा दो वासुदेव। मातृभूमि, अब मुझे अपने माता श्री के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे आकाश, मेरे देश को धूप छाव वर्षा की कभी कमी न रहे, उसके वृक्ष सदा फलों से लदे रहे, उसके कमल खिले रहे, उसकी नव मल्लिकाएं अपनी सुगंध के बिछौने पर बैठी रहे, उसके जलाशय स्वस्थ और जीवित रहे, उसकी राजनीति के सूर्य को कभी ग्रहण न लगे, कभी ग्रहण न लगे। नश्वर के अनश्वर होने का दृश्य देख रहे, महाभारत सायुध न हो।
भारत भारत शांति संदे महर्षि भारत।